बंधु मान एकाठी आम मन भितर गोटे कल्पना था इतिहास रु शिक्षा ना दरकार तेणु आम इतिहास को जो शिक्षा ना दरकार बोली निज मन को बुझे था इतिहास को पढ़ी था बोध मानव इतिहास विगत वर्ष धरिकी जो भाया समय अतिक्रमण है अनुभवी लोक मैंने हूँ कि लेखक माने हुंतु किंबा कविता लेखुवा बंधु माने हुंतु समाज रो सांप्रतिक स्थिति को तो वर्णना करी कि लेखी थांती और सेटा भविष्य पई छाड़ के जानते सेटा परवर्त समय इतिहास हुए महामारी प्रलय संकट ये सब कथा साहित्य रे लिखा है किंतु महामारी संकट प्रलय महावात्या ए प्रकार रूप निए गत वर्ष धरिकी जहाँ रूप नेला कही के वर्णना कर नथिला विश्वर अर्थनीति ठप विश्वर सामाजिक व्यवस्था मुझे विश्व कहे आम मझेरे मझेरे निज निज अंचल थी वैश्विक कल्पना करजर जुगर इंटरनेट कारण सब आम परस्पर कथा विश्व तमाम जानपर राष्ट्रदीपर ये बसंत मिलन उत्सव हुए तो मध्य रात्रि पृथ्वीर कौ अंचल जन ओडिया स्वयंसेवक लाइव स्ट्रीम मध्यम देखु थे विश्व एत छोट हो सारा से समय विश्व तमाम खबर आम रखिले गत वर्ष धर से विश्व पूरा स्थिर हो गला कौन हम आम समस्ते कहीं केवे निज पर एते समय रही ना स्वयंसेवक मान तो केवे नथिले सकाळ उठि सकाळ चले कि रात फेर पर्यंत आम आम काम मस्त आम समस्ते गोटे निर्दिष्ट परिसर रही नुआ अनुभव है अंतर्मुखी हेले आध्यात्मिकवादी हेले निज को निजे अधिका चिन्हिले परिवार लोक मान को चिन्हिले समाज को चिन्हिले मनुष्य को चिन्हिले वस्तु को चिन्हिले खाद्यर ढांचा बदलिला किणवार प्रक्रिया बदलिला सब जो सामाजिक अर्थनैतिक मनस्तात्विक प्रवास है विगत वर्ष प्रभु दया आम ता भितर बाहर की पुणी स्वाभाविक हवा आरंभ करम देश के गोटे शब्द कही था गणमाध्यम बंधु मान अच्छा मुझे जिते कम बद होगा कह चेष्टा करी आम के गोटे कथार आम विश्वास अच्छी कही न था आम विश्वास अच्छी हिंदुत्व एक धर्म नुहे हिंदुत्व एक जीवन प्रवाह एक संस्कृति एक चरित्र पृथ्वी दिने भारतीय सभ्यता को ऊपर आने पर कहला बेले मझेरे मझेरे
आम देशर किसी तथा कथित मध्यमपंथी बामवादी तथा कथित उदारवादी मैंने कहते यहाँ तो गोटे संकुचित विचार प्रतिफलन यहाँ तो गोटे धार्मिक उन्मादनार परिप्रकाश ए प्रकार आरोप आम उपर करा जाए बंधुगण मार्च मसे देश में कोरोना पाई लॉकडाउन है पृथ्वीर धीरे 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 अन्य अंचल लॉकडाउन है आरंभ से आम कि बंधु प्रधानमंत्री निर्देश में प्रतिदिन केन्द्रीय सरकार थिबा 40-50 जन मंत्री प्रतिदिन 10-15 टी जिले में प्रत्यक्ष कथा हो मत सौभाग्य मिलता से 40-50 जन मंत्री संकलन करके प्रधानमंत्री को प्रतिदिन जनवा प्रतिदिन भारत बर्षर 600 जिलार स्पंदन आम पाइप मोर अच्छे से अप्रैल मे ए मास गुड़िक लगू था पीपी किट न मिलने बोधे तो महाप्रलय निश्चित आसी सारे केमती हम कमी संभाल लोक पीपी किट कड़े गला आम देश में गोटे पीस भी पीपी किट या ओडिशा जन बंधु मत कहले प्रधानमंत्री को अनुरोध कर प्रशासन जन बंधु प्रधानमंत्री को अनुरोध कर चाइना को अमेरिका 6 प्लेन पठे सारा आम भी प्लेन पठ आमे भी प्लेन पठ आम आम चाइनार पीपी किट आम देश में डाक्टर मैंने कमी संभाल स्वास्थ्यकर्मी मैंने कमी बचे सतरे जमी पीपी किट ना पृथ्वी प्रलय एपट गोटे भावना मत भी लगेगा प्रतिदिन ना एत विद्वान जिला स्तर कलेक्टर एसपी से जिलार राजनीतिक व्यक्तित्व सांबादिक समस्त आम कथा होते कथ कमी कह बंधुगण 2-3 मास भितर भारत निजर आवश्यकता को पूरा कला प्रधानमंत्री प्रतिदिन आम कह एक प्रकार देशर कथा को पहुँचाऊ मत तो डर मानुला जो प्रधानमंत्री कौन करेंगे तापे कमी हम 1 कोटी पखापाखी स्वास्थ्य सेवार लगी लोक डॉक्टर टू आरंभ कर सफाई कर्मचारी पर्यंत समस्त को पीपी किट दरकार पुलिस भाई मान को पीपी किट दरकार सांबादिक माने खबर प्रकाश कर पीपी किट दरकार कमी हम प्रधानमंत्री शुणुते 2-3 मास परे पीपी किट भारत में पर्याप्त है गोटे पीस भी बन ना पर्याप्त है अन्य देश को आम पीपी किट एक्सपोर्ट करिवा आरंभ करे चाइना पाखे पर्याप्त पीपी किट रो उपलब्धि थिला चाइना शर्त रखा मुझे पीपी किट देवी ग्लोव्स देवी मास्क देवी से मोर चार शर्त मानवा दरकार मो देश कंपनी मान को व्यवसाय करवा दरकार अनुमति देवा दरकार मो देश ऋण नवा दरकार चाइनार ऋण आज गोटे मायाजाल पृथ्वी में जे चाइनार ऋण नेला सी बम्बे का लड़ू खाइला भाया बोल चलना कहीं पृथ्वी में चाइनार ऋण कहीं नौ ना पाकिस्तान नहीं रास्ता पाकिस्तान एवं 2-3 प्रतिदिन कांदापी पड़ चुके चाइना शर्त रखा भारत प्रधानमंत्री निजर आवश्यकता को पूरा करने सह विश्वर अनेक देश को पीपी किट पठे क्लोरोक्विन भलिया टैबलेट अनेक देश को पठा गला मझे कुएत मुझे कोरोना काल भितर कुएतर राजा निधन कालू भारतीय प्रधानमंत्री बार्ता नहीं मुझे समबेदना जनवाप समबेदनार उपचारिकता सरवापर सेठिकार नुआ निजुक्त होता राजा मत बस कहले मोर आउ गोटे धन्यवाद आपण आपण प्रधानमंत्री पर्यटन पहुँचे आम जो आम देश जो हाहाकार एकदम कोरोनार विभीषिका आमको डराउला मुझे प्रधानमंत्री को फोन कली मुझे राजा है ना द्वितीय महत्वपूर्ण क्राउन प्रिंस दायित्व थे मुझे प्रधानमंत्री को फोन कली आपको ये साय करें कि
24 घंटा भितर भारत तरफ रु प्लेन रे भर्ती है कि मेडिसिन पीपी किट डॉक्टर नर्स वेट पहुंचते हैं ये ऋण को हम केबे भूली पारिबु नै हम कृतज्ञ भारत पाछे कृतज्ञ कथा वैक्सीन हम केबे भावि नथिले जे वैक्सीन वैक्सीन अमुआ अनुमान करी कहा जाए पर वैक्सीन जितने बाहर चले बहुत लोग मेडिकल साइंस और विद्यार्थी बंधु मान थे वैक्सीन 6-10 वर्ष व्यवसाय विभिन्न प्रकार क्लिनिकल टेस्ट है ही है ही है प्रभाव प्रूव हैला पर तक आना जाए विश्व अनेक देश लोक मैंने वैक्सीन नहीं बनी आज संयोग बचत भारत रे औषध तैयारी करिवार क्षमता अधिका ये भितरे भारत रो वैज्ञानिक माने भारत बायोटेक कंपनी रो बंधु माने भारतीय सरकार रो कंपनी माने निजे तो वैक्सीन बनेले ता सह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रो जो वैक्सीन बनेला सि वैक्सीन को भी पुणे रे अधिका संख्या रे बनाला आज भारत आज हम पाई सौभाग्य मार्च मास रे आज 7 तारीख रचते काठी वैक्सीन हमें दबा आरंभ करेनी मागणा रे भारत सरकार के तरफ रु 60 वर्ष रो ऊपर लोक मान को 45 वर्ष रो को मोरबिडिटी लोक मान को खूब कम दिन भीतर ये धीरे धीरे समाज रे सब लोक मान को लागिव आरंभ करियो केवल हमें हम निज रखु दे नहते भारत 2 डजन रु अधिका देश को वैक्सीन पहुंचे किसी देश को सस्ता रेट दे वैक्सीन को भारत में सस्ता ही करा गला किसी देश को मागणा रे दिया जाए बंधुगण इसलिए आरंभ आरंभ रे हला प्रधानमंत्री गोटे स्लोगान देले जे भारत को आत्मनिर्भर हवा पाई पड़ी आत्मनिर्भर निज पाई नहीं केवल भारत आत्मनिर्भर हेले भारत जो जिनस बनेब निजर आवश्यकता पूरा करबा सह विश्वर निडी लोक मानकर न्याय श्री लोक मानकर आवश्यकता को पूरा करिब ये दायित्व भारत बंधुगण ये गोटे रणनीति नुहे ये एक कूटनीति नुहे ये एक संस्कार यार ना वसुधैव कुटुंबकर मूल मंत्र एटा ही हिंदू राष्ट्र आज एकविंश शताब्दी कई अपेक्षा करिब नहीं जे भारत अतिक्रमण बाती है कि तार भौगोलिक सीमा को बहुत बड़ा कर दो संभव नहीं प्रजातंत्र व्यवस्था रे मॉडर्न वर्ल्ड रे एक्सपेंशन कॉलोनियलिज्म संभव नहीं एडा विश्व रे जनमतता विपरीत रच किंतु निजर संस्कार बल रे निजर सेवा बल रे निजर बौद्धिक शक्ति बल रे यदि आज अमेरिका रो भारतीय डॉक्टर माने पळे आसीबे अमेरिका यूरोप रो स्वास्थ्य सेवा रे प्रश्न चिन्ह लागिबो भारतीय डॉक्टर माने भारतीय चिकित्सक माने केवल जे पैसा पाइ छिटे छथि या नै किछि त काम अछि एई पाइ दुईटी सेक्टर आज ग्लोबल सेक्टर रे भारतीय लोक मान को विश्वसनीयता ढेर देखाय छै गोटे हला आईटी इंडस्ट्री आउ गोटे हला मेडिकल इंडस्ट्री यारी तो ना हला वसुधैव कुटुंबकम यार ना हला भारतीय सॉफ्ट पावर रो वैश्विक इंपैक्ट बंधुगण एटा आज एकविंश शताब्दी रे आहुरी लंबा चली बार अछि आ मते मते केबे केबे लागे आमे पृथ्वी रो 700 कोटी लोक मानक भितरु आमे भारत के पूर्वांचल जो लोक माने रहुछन गोरख धाम को आरंभ कर के पुरी धाम पर्यंत और पूर्व रे परशुराम कुंड पर्यंत भारत वर्ष रे 130 कोटी लोक रु 50 कोटी लोक पूर्व उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ पूर्व भारत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये अंचल रहुचंद यदि आखो पाखो आउ दुई तीन टी देश को मिसा जाए नेपाल भूटान बांग्लादेश
ମାୟାନମାର କେବେ ରାମଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପହଞ୍ଚିଥିବା କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମିଶାଯାଏ ୟାର ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ହେବ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ 100 କୋଟିର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟା, 100 କୋଟିର ମୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ହୁଏତ କଲିକତା ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇପାରିବ, ହୁଏତ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇପାରିବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅନେକ ଯୋଗଦାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ଆମେ ମହାନଦୀର ପଠାରେ ବସିଛୁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନାଉଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ନା ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବିକତା? ବାଲିଯାତ୍ରା ଲୋକ କଥା ନୁହେଁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜର ପ୍ରମାଣ। ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବର୍ଚ୍ଚସ୍ୱ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ବର୍ଚ୍ଚସ୍ୱ ପାଇଁ ଅନେକ ଏଇଥର କରୋନାର ଦୁନିଆର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଫିଟେଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୂଳର ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯିଏ ୟୁରୋପର କୌଣସି ସହରରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ହେଲାବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ହଳଦୀ ଟେଳେ ଖାଉଛି। ଗୃହପତି ଲୋକ ହଳଦୀ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମେରିକାର ଲୋକ ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତିନି, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ରଚନା ଅଛି, ସୋରିଷ ତେଲ, ଲେମ୍ବୁ, ହଳଦୀ ଖାଇବା, ଗିଲୋଇ, ତୁଳସୀ, ଅଁଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଏଥର ମେଡିସିନ ହେଲା କରୋନା ବେଳେ। ତେଣୁ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ମେଟେରିଆଲ ନୁହେଁ, ପିପି କିଟ୍ ରୁ ମେଡିସିନ ରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂରଚନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ସଶକ୍ତ ସମାଜ ହିଁ କରିପାରିବ, ସଶକ୍ତ ସମାଜରେ ସଶକ୍ତ ସଂଗଠନ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିପାରିବ। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମିଟେଡ୍ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ମାଇନୋରିଟି ହିଁ ତାକୁ କରିବ, ତାର ନାଁ ସଂଗଠନ। ଆଉ ସିଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ମାଇନୋରିଟିର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମେ ଅଷ୍ଟବିଂଶତମ ବସନ୍ତ ମିଳନରେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ତରଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁ, ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀର ବିଚାର ପ୍ରବାହର କେନ୍ଦ୍ର ଏ 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସହର କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ଭିତରୁ ହଉ, ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜିର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପଟି ୟାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ୟାର ସମର୍ଥକ ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ରହିବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଅଛି, ସଭ୍ୟତାର ଭୌତିକ ଆକାର ରୂପ ବଦଳାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ମୂଳ କଥା ନିରନ୍ତର ରହେ। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ଏ ଭାରତୀୟତାର, ଭାରତୀୟ ବିଚାରର, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ମୂଳ ଅବଧାରଣାକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ, ମୋ ମନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଅହଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ରଖିଲି, ଅଭିମାନରୁ ଅଧିକା ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ଯେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାଭାରତୀୟତା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବଣମଲ୍ଲୀରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ୟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ। କେଉଁ ସମାଜରେ ଦାସିଆ ବାହୁରୀ କଥା ଅଛି, ଏ ସମାଜରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ କହିଥିବା ଜଣେ କନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜଣେ ସନ୍ଥ କହିଥିଲେ, ଯାହାର ଲେଖା ଆଜି ୟୁଏନ୍ରେ ବି ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖିଲା, ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ନୁହେଁ କି, ଏଇଟା ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ କି, 14 ବର୍ଷର ବାଜ
ଥିଲା ତତେ ନଦୀ ପାର କରିଦେବିନି ଗୁଳି ଖାଇଲେ ପଛେ ନଦୀ ପାର କରିଦେବିନି ଏଇଟା ବଳିଦାନର ୟାଠୁ ବଡ଼ ପରାକାଷ୍ଠା କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଧର୍ମ ପଦ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ବଳିଦାନ ନ କରିବି ତାହେଲେ ବାରଶହ ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ ସମାଜରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷଣେ ବି ଲଗେଇ ନଥିଲେ ଏ ଭଳିଆ ସମାଜର ଏ ବୀର ସମାଜର କୁହାଯାଏ ଅଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୋ ମନରେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି ଅଶୋକ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ରାଜା ନଥିବା ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମଦର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଉତ୍କଳ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ନଥିଲେ ଗଣମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ଵ ଥିଲା ସମୂହର ରାଜତ୍ଵ ଥିଲା ସେ ଭଳିଆ ଏକ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଶୋକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଥକିଗଲା ପରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ତାପରେ ବି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେବେ ଅଭିମାନ କରିନେ ଯେ ଅଶୋକ ବିହାରୀ ଥିଲେ ଆମକୁ ଆସିକି ମାରି ପକେଇଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଅଶୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସକାରମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ଆସିକି ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସହନଶୀଳତା ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାଭାରତୀୟତା ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ୍ଵ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପ ନାଁରେ ଏକାଠି ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ନମସ୍କାର ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନତା।